लैपटॉप मास्टर में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त निशांत आज फिर आपके सामने एक नई वीडियो और एक नए लैपटॉप के साथ। आज हम लेके आए हैं डेल का 16 इंचेस का लैपटॉप डेल वोस्टो 5625 सीरीज, जिसमें राइजन 5 प्रोसेसर है 5625। इसमें राइजन 3 और राइजन 7 भी आता है, लेकिन आज हम आपके लिए लेके आए हैं जिसका हम रिव्यू करेंगे, अनबॉक्स करेंगे, वो है राइजन 5 5625U। तो दोस्तों देखते हैं आज का लैपटॉप। ये है आज का हमारा डेल 5625 वोस्टो। इसमें दो तीन वेरिएंट्स आते हैं, राइजन 5 नहीं 8GB का भी मिलता है, 16GB का भी होता है। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि कंप्लीट स्पेसिफिकेशन आप देखकर ही लैपटॉप को परचेज करिएगा। तो चलिए दोस्तों लैपटॉप को ओपन करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, जो दोस्त हमारे साथ नए जुड़े हैं और जिन्होंने अभी तक लैपटॉप मास्टर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे आगे आने वाली नई नई लैपटॉप्स की वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि आज भी हम डेल के इस लैपटॉप को भी फिजिकली ओपन करके आपको दिखाएंगे, आप क्या क्या अपग्रेड कर सकते हैं, क्या क्या पार्ट्स कहाँ कहाँ पे लगे हुए हैं, ये भी हम देखेंगे। तो चलिए दोस्तों करते हैं लैपटॉप को ओपन। लैपटॉप हमारा ओपन हो गया है, देखते हैं लैपटॉप में बॉक्स में क्या क्या मिला है हमें। पावर कोर्ड, प्रीमियम पावर कोर्ड मिलती है, 65 वाट का आपको एडेप्टर मिलता है और आपका लैपटॉप थोड़ा सा वेट है, एक्चुअली 16 इंची का लैपटॉप है तो नेचुरल है वेट होगा। मेटल बॉडी में आपको ये लैपटॉप मिलता है। अगर मैं आपके ओवरव्यू इसकी बाहर की बात करूँगा, जब आप इसे उठाएंगे तो आपको बैक साइड में देखेंगे काफ़ी बड़ा वेंट है कूलिंग के लिए, 4 साइड रबर्स दे रखे हैं। स्लीक भी है, अगर आप देखेंगे कि 16 इंची लैपटॉप होने के बाद थोड़ा सा हैवी है, लेकिन स्लीकनेस काफ़ी है। आप इस साइड से देखेंगे बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी दी है डेल ने इस पर। आप हिंजिस की बात करेंगे, काफी अच्छे हिंजिस आपको डेल इसमें प्रोवाइड कराता है। लैपटॉप की लेफ्ट साइड में देखते हैं, जो सबसे पहला पोर्ट आपको दिखाई दे रहा है वो है 3.5mm का ऑडियो जैक, जिससे आप स्पीकर हेडफोन माइक कनेक्ट कर सकते हैं। साथ में दे रखा है आपको RJ45 कनेक्टर, जो आजकल लैपटॉप्स में आपको देखने को नहीं मिलता है, लेकिन डेल ने इसके अंदर RJ45 कनेक्टर दिया है। साथ में आपको दे रखा है सुपर स्पीड USB और SD कार्ड रीडर आपको इसमें मिलता है। इस लैपटॉप की जो मेन खासियत है वो है RJ45 कनेक्टर। दोस्तों देखते हैं लैपटॉप के राइट साइड में कौन कौन से पोर्ट्स दिए हुए हैं। पहला है चार्जिंग जैक आपके लैपटॉप चार्ज करने के लिए, उसके बाद HDMI 1.4 आपका डिस्प्ले, एक्सटर्नल डिस्प्ले के लिए, TV या प्रोजेक्टर के लिए, सुपर स्पीड USB दे रखा है और उसके साथ दे रखा है Type-C। तो चलिए दोस्तों देखते हैं लैपटॉप की कॉन्फिगरेशन क्या है। बात करते हैं प्रोसेसर की, जैसा कि शुरू में बताया AMD Ryzen 5 5625U विद रेडियन ग्राफिक्स आपका प्रोसेसर आता है। बेस स्पीड है इसकी 2.3 GHz। अगर मैं कहूँ टर्बो बूस्ट टेक्नोलॉजी के साथ ये प्रोसेसर आता है, बूस्ट होके 4.3 GHz तक जाता है। 6 कोर का प्रोसेसर है, 6 के 6 कोर इसके परफॉर्मेंस कोर होते हैं। लॉजिकल प्रोसेसर की बात करेंगे तो वो है 12 और L3 कैशे आपको मिलती है इसमें 16 MB। 7 नैनोमीटर का इसका प्रोसेसर है। AMD मोस्टली जितने भी प्रोसेसर लेके आ रहे हैं वो सारे 7 नैनोमीटर के हैं। बात करेंगे मेमोरी की, 16GB की रैम है, स्पीड 3200 MHz की है। स्लॉट देखेंगे, 2 स्लॉट्स हैं, दोनों के दोनों यूज किए हुए हैं। आगे बाकी आप जब लैपटॉप खोलेंगे तो आपको दिखाएंगे क्या क्या अपग्रेड हो सकता है। हार्ड डिस्क की बात करेंगे, ए डाटा की NVMe 512GB इसमें लगी हुई है, जिसकी कैपेसिटी आपको 477GB मिलती है। वाईफाई की बात करेंगे, वाईफाई 6 आपको इसके अंदर मिलता है और ब्लूटूथ 5.2। स्पीड प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आपका 5G राउटर है तो। ग्राफिक्स की बात करते हैं, AMD अपने हर प्रोसेसर के साथ डेडिकेटेड ग्राफिक्स जरूर देता है, चाहे वो 512MB का हो या 2GB का हो। इसमें AMD ने 512MB का ग्राफिक्स दिया है और शेड जो ग्राफिक्स है वो है 7.7GB, तो टोटल आपको 8.2GB का आपको ग्राफिक्स इसमें मिलता है, जिसमें आप लाइट वेट गेमिंग और थोड़ा बहुत ग्राफिक्स का काम आप कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं इसके डिस्प्ले की, 16 इंचेस का फुल HD डिस्प्ले आपको इसमें मिलता है। रिजोल्यूशन की बात करें, 1920x1200 आपको इसका रिजोल्यूशन आता है और 60Hz की इसकी स्क्रीन होती है। एंटी क्लियर आपको इसमें स्क्रीन मिलेगी और 45% NTSC। निट्स की बात करेंगे, 250 निट्स आपको इसमें मिलता है। कैमरा देखते हैं इसमें, 1080p 30fps के साथ आपको फुल HD इसमें कैमरा मिलता है।
डुअल एरे माइक्रोफोन के साथ। इसके अंदर जो कैमरा आता है वो फिजिकल शटर के साथ आता है। ये देखिए, अगर आप इसका शटर लॉक कर देंगे तो आपका वेबकैम बंद हो जाएगा। ये आपके लैपटॉप को हैकिंग के समय मिसयूज होने से बचाता है। अगर आपका लैपटॉप हैक हो गया, अगर कोई आपकी बिना परमिशन के आपके कैमरे को ऑन करता है, तो फिजिकल शटर होने की वजह से वो आपको नहीं देख पाएगा। तो चलिए दोस्तों, समय हो गया है लैपटॉप को ओपन करने का। लैपटॉप को फिजिकली ओपन करते हैं और देखते हैं इसमें कौन कौन से पार्ट्स कहां लगे हुए हैं और हम क्या क्या अपग्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों, लैपटॉप हमारा ओपन हो गया है। सबसे पहले देखते हैं, यहां हमारा प्रोसेसर लगा हुआ है, हीट सिंक के साथ कनेक्टेड है यहाँ फैन से। ये हमारा मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड जहाँ खत्म हो रहा है वहां पे हमारा फैन फिट हुआ हुआ है। बात करेंगे एसएसडी की, तो यहाँ हमारी एसएसडी लगी हुई है जो आप निकाल के इसको अपग्रेड कर सकते हैं। कोई और एसएसडी लगाने की इसमें ऑप्शन नहीं दे रखी। यहाँ पे हमारी रैम है, 8-8 GB की दो रैम दे रखी है। आप अपग्रेड करना चाहें तो दोनों को ही आपको रिमूव करना पड़ेगा। रिमूव करके ही ये रैम अपग्रेड हो सकती है। यहाँ हमारा वाईफाई कार्ड लगा हुआ है और यह है हमारी बैटरी, 4 सेल की बैटरी है 54 वर्क आवर्स के साथ। यहां पे हमारे दो स्पीकर्स इसमें दिए हुए हैं। तो दोस्तों, इसके अंदर अपग्रेड करने की ऑप्शन हमारे पास एसएसडी और रैम की है और कुछ हम इसमें अपग्रेड नहीं कर सकते। हम एक्स्ट्रा एड ऑन नहीं कर सकते हैं इसके अंदर कि अगर आप चाहें कि आप एक्स्ट्रा हार्ड डिस्क लगा सकें, इसमें कहीं भी जगह एक्स्ट्रा हार्ड ड्राइव के लिए नहीं दी हुई। हाँ, लेकिन आप उसको रिमूव करके एसएसडी को, जो एग्जिस्टिंग एसएसडी है उसको रिमूव करके आप जरूर नई एसएसडी 1 TB या 2 TB एसएसडी आप इसमें लगा सकते हैं। दोस्तों, आज हमने अनबॉक्स किया डेल वोस्टो 5625 जो राइजन प्रोसेसर के साथ ये सीरीज आती है, राइजन 3, राइजन 5, राइजन 7। आज हमने आपको ओपन करके दिखाया राइजन 5। बात करते हैं ये आप किस किस यूज में ले सकते हैं। देखिए, 16 इंचेस का डिस्प्ले है, काफी बड़ा डिस्प्ले है। नॉर्मली 14 इंचेस, 13.3 या 15.6 इंचेस डिस्प्ले रहता है। इसकी रेशियो भी मैं आपको बता दूं, 16:10 एस्पेक्ट रेशियो आपका इसका स्क्रीन का मिलता है। देखिए, आपका अगर इसमें बात करेंगे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आप कुछ भी इसमें कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ जो प्रॉब्लम आएगी आपको हैवी गेमिंग और जिसमें आपका ग्राफिक्स, डेडिकेटेड ग्राफिक्स की डिमांड होती है 2 GB 4 GB की, और जिसमें ग्राफिक्स का होता है 3D Max, आपको उसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आएगी। चल जाएगा लेकिन बहुत स्लो चलेगा। तो जिनको अगर 3D Max पे काम करना है, AutoCAD पे काम करना है, जैसे हैवी गेमिंग्स करनी है, तो वो गेमिंग लैपटॉप्स ही लें, इस लैपटॉप को परचेज ना करें। माना इसमें AMD Ryzen 5 प्रोसेसर है लेकिन इसमें डेडिकेटेड ग्राफिक्स नहीं है और प्रोसेसर भी जो उसका U प्रोसेसर है जो गेमिंग के लिए नहीं होता है। अकाउंटिंग का काम करना है, अकाउंटिंग का काम बड़ा अच्छा होगा, एक्सेल पे आप इजीली काम कर सकेंगे। ब्राउजिंग का काम करना है आपने, आप किसी भी काम के लिए इस लैपटॉप को आप ले सकते हैं। डेल इस लैपटॉप के साथ 1 ईयर ऑन साइट वारंटी देता है और अपग्रेड करने की भी ऑप्शन देता है। जब आप डेल एक्सक्लूसिव स्टोर पे जाएंगे तो आप वहां पे सेल्स पर्सन से पूछ सकते हैं कि क्या अभी प्राइसेस चल रहे हैं अपग्रेड करने की। और डेल इसके साथ एक्सीडेंटल डैमेज प्रोटेक्शन भी देता है, वो भी आप जरूर पूछिएगा। बात करेंगे इसकी प्राइसिंग की, तो अप्रॉक्सीमेटली 70,000 के आसपास इसका प्राइसेस रहता है। आपको 70,000 के आसपास मार्केट में ये मिल जाएगा। 16 इंचीज का लैपटॉप है तो डेचुल है, और राइजन 5 5625 के साथ ये प्राइसिंग के आसपास मिलेगा ही आपको। वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और कुछ भी आपके क्वेश्चंस हो इस लैपटॉप के रिगार्डिंग या किसी और लैपटॉप के रिगार्डिंग भी, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। हम आगे भी नई नई वीडियोस लेके आते रहेंगे। और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं यही कहूंगा, आप चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आगे हम कोई भी नई नई वीडियोस अपलोड करेंगे नए नए लैपटॉप्स की, तो सबसे पहले आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी नोटिफिकेशन के थ्रू। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक, वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नई वीडियो में नए लैपटॉप के साथ। जय हिंद।